दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सेंटर की यूनिवर्सिटी है और देश की राजधानी में है, वहां अगर इतनी गंदी मानसिकता के लोग प्रिंसिपल बने हुए हैं जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, और मैं कहता हूं वो अगर कहीं मिल जाए तो उसके कपड़े फाड़ने में कसर मत छोड़ना कि वो हमारे अंदर का भेड़िया है, वो हमारे ही समाज का आदमी है। वो कि 2700 प्रोफेसर की जगह हमारी खाली पड़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, देश की सभी यूनिवर्सिटियों में 99% आरएसएस के आदमी बिठा रखे हैं इन लोगों ने। साथियों, बहुत दुख की बात है, वैसे तो मैं मानता हूं कि जो मुझे भंते जी ने कहा है अब उसके अलावा कोई रास्ता तो बचा नहीं है कि इनको सत्ता से उखाड़ के फेंको और सत्ता अपने हाथ में लो और भीख किसी से नहीं मांगो, अपने आप वहां उस कुर्सी पर बैठकर अपने कर्म से जाएगा। अब यही वक्त आ गया है और मैं बार बार कहता हूं कि 2024 के बाद अब कुछ बचना भी नहीं है। डॉक्टर रितु की लड़ाई बहुत ही जेन्युइन लड़ाई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है और देश की राजधानी में है, वहां अगर इतनी गंदी मानसिकता के लोग प्रिंसिपल बने हुए हैं जो जाति के नाम पर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, इससे बड़ी दुखद बात क्या होगी। जिस तरह से महमूद भाई ने संघर्ष करके अदालत के माध्यम से एफआईआर कराई, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एससी एसटी के मसलों में एसीपी करता है, तो पहले कोई एक शर्मा एसीपी था, उसको हटाया गया और दूसरा जो आया उसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। और मैं कहता हूं वो अगर कहीं मिल जाए तो उसके कपड़े फाड़ने में कसर मत छोड़ना कि वो हमारे अंदर का भेड़िया है, वो हमारे ही समाज का आदमी है। वो केशव नाम है उसका। पिछली बार जब हाईकोर्ट में ये डेट लगी थी कैंसिलेशन के लिए, तो हम लोग सब हाईकोर्ट में थे, उसी ने कहा, कोर्ट में कहा, कोर्ट की ऑर्डर शीट में लिखा है ये कि हम उन्हें अरेस्ट नहीं करेंगे, किसी तरह की हम कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कोर्ट में कहा उसने। तो हमारा ही आदमी एसीपी होके हमारे ही खिलाफ अन्याय करता हो, क्या उनको दंड नहीं मिलना चाहिए? मैं समझता हूं बंती जी ने जैसा कहा कि ये जो जो आपके एमएलए एमपी बैठे हैं, जबकि अब आए आपके बीच में वोट मांगने, तो इनकी चड्डी तक उतार लो, ऐसे इन अधिकारियों की भी हमें दुर्गत करनी होगी, सामाजिक बहिष्कार करना होगा, तभी इनको भी अकल आएगी। लेकिन प्रशासन ये ना समझे, पुलिस प्रशासन ये ना समझे कि अगर तुमने चार्जशीट फाइल करवा ली चालाकी से और अरेस्ट नहीं किया तो बाकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, निश्चित रूप से होगी, उस एसीपी के खिलाफ तो होगी ही होगी, औरों के खिलाफ भी होगी जो लोग इनको बचाने में लगे हैं, प्रिंसिपल को, रजिस्ट्रार को, इन लोगों को तत्काल प्रभाव से उन्हें बर्खास्त करना चाहिए, केवल सस्पेंड नहीं, बिल्कुल नौकरी से उन्हें टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इतना जघन्य अपराध उन लोगों ने किया। मैं अभी 4 दिन मध्य प्रदेश में था, सुबह ही अभी पहुंचा हूं। अन्याय कहां तक होते हैं आप इसका अंदाजा लगा लीजिए, वहां की भी बताता हूं लेकिन यहां की बता रहा हूं आपको कि 2700 प्रोफेसर की जगह हमारी खाली पड़ी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, भरी नहीं जा रहे 2700। इसके अलावा एक यहां का मुख्यमंत्री है केजरीवाल, बड़े ढोल पीटता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो किया। उसी केजरीवाल ने सरकारी स्कूल, 50 सरकारी स्कूलों को मर्ज कर दिया, और वही केजरीवाल कहता है कि 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल के सरकारी स्कूलों में आ गए। जब सरकारी स्कूलों में आ गए तो सरकारी स्कूलों की संख्या हमें ज्यादा चाहिए या उनको मर्ज करके आप कम कर रहे हो? इसी से उसकी बेईमानी आप समझ सकते हो। तो बेईमान एक नहीं है, सारे एक ही नस्ल के हैं, वो भी आरएसएस का आदमी है, ये सब भी बैठे हुए आरएसएस के आदमी है, देश की सभी यूनिवर्सिटियों में 99% आरएसएस के आदमी बिठा रखे हैं इन लोगों ने। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, हमारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, हमारे जो लोग शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है साथियों, किसी एक की नहीं है, कोई एक बचेगा नहीं। कोई समझता हो कि एससी है उसी पर गाज गिर रही है, नहीं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी सभी इनके निशाने पर हैं।
मैंने अभी जो आपको बात बताई कि मैं चार दिन से वहां पे था मध्य प्रदेश में, अभी आया हूं सुबह। मध्य प्रदेश में बड़ी मजेदार बात हुई है, जरा सुने इसको भी। राज्य सरकार ने 1,00,000 भर्तियां निकाली हैं। ओबीसी की कितनी होती है आरक्षण के हिसाब से? 27,000। और ये उस प्रदेश में है जिसका मैं आपको आंकड़ा दूंगा तो आपकी मतलब जमीन निकल जाएगी पैरों तले। उस मध्य प्रदेश में 16% आबादी एससी की है, 22% आबादी एसटी यानी आदिवासियों की है। कितनी होगी? 38%। 50.5% आबादी वहां पर ओबीसी की है। कितने हो गए? 88.5%। 6.5% आबादी वहां पर मुस्लिम्स की है। कितने हो गए? 95%। 5% है ये ठाकुर बामन और बनिए जनरल जिनको कहते हैं 72 साल से राज कर रहे हैं। मैं उनको कह के आए एक लाइन में तुम खड़े हो गए तो इनको ये धरती मध्य प्रदेश के भागने के लिए कम पड़ जाएगी। तो कितना आरक्षण होना चाहिए वहां पे? भाई जब 5% लोग हैं, 5% लोग को 50.5% और 10% आर्थिक आधार पर 60% आरक्षण आप दे रहे हो, होना कितना चाहिए 5% को? केवल 5%। न्याय तो यही है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनकी नियत कितनी खराब है इसको देखें। 1,00,000 भर्तियां निकाली हैं, 27,000 ओबीसी की भर्तियों में से 14,000 भर्तियों को रोका जा रहा है कि इनको हम बंद करके रखेंगे, बाद में देखेंगे इनका क्या करना। किस आधार पर रोकोगे आप? तो अन्याय आपके साथ एक जगह नहीं है, कई जगह है। अभी जैसा मेघवाल का बताया राजस्थान में, अभी हुई है 3 दिन पहले घटना, ये आपके इटावा जिले में, वहां भी एक ठाकुर ने एक जो हमारे एससी समाज के बच्चे को मारा और अब उसकी मौत हो गई है। वहां पे जब उन्होंने लाश लेके उसको बर्खास्त करने की बात की तो पुलिस ने बुरी तरह से उन पर लठ बजाया, 50 आदमियों के नाम पे नाम दर्ज रिपोर्ट करी, 250 के नाम पे जो उनके अज्ञात लोगों के नाम से वो करी, और अब लोगों को उठा रहे लगातार। पीएससी बड़ी हुई है, मतलब यही स्थिति है। और वो भी शिशु मंदिर स्कूल था आरएसएस का, और ये भी शिशु मंदिर स्कूल, ये स्थिति है सरस्वती शिशु। तो हमारी स्थिति बहुत खराब है, इसे दूसरा कोई बदलने आएगा नहीं, हमें को बदलनी पड़ेगी। और अभी ये ठान ही लेना चाहिए आर या पार जो भी होगा, मरेंगे तो मरेंगे, हम पहले भी मरते रहे हैं, लेकिन अब अपना हक लेकर मरेंगे। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो वीसी बैठा है, ये है जो भी प्रशासन के लोग हैं, केंद्र सरकार सारी, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, गृह मंत्री और जो प्राइम मिनिस्टर है, यहां से इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं, अपनी नीतियों को बदलो, हमारे साथ में न्याय करो, नहीं करोगे तो 24 में उखाड़ के फेंक देंगे, ये प्रण है हमारा, चाहे जो भी हो जाए। तो साथियों इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, जब भी ऐसी लड़ाई हो साथियों, लड़ने के लिए जब तक आंदोलन चले तब तक खड़े रहना चाहिए उसी जगह पर, भागना नहीं चाहिए, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, ये काम हमारा नहीं, लड़ाई ऐसे नहीं होती। मैदान में जब आ गए तो जब तक आर पार नहीं, फैसला नहीं हो जाता, तब तक काहे को मैदान छोड़ना, मैदान में ही रहना है। इसलिए साथियों ये निवेदन करते हुए कि इकट्ठा होंगे, औरों को करेंगे, मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और अपने वो लोग चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या किसी भी डिपार्टमेंट में, जो अपने ही समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जिस एसीपी को, इस प्रिंसिपल को, रजिस्ट्रार को अरेस्ट करके जेल में डालना था, जो कानून जरूरी है, ऐसे एसीपी डीसीपी या कोई भी आप बख्शेंगे इनको भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।